आपका वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिकी विशेषज्ञ बोले मोदी पसंदीदा नेतृत्वकर्ता 2019 के बाद भी करते रहेंगे भारत का नेतृत्व। शीर्ष अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद वर्ष 2019 के आम चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट तौर पर एक पसंदीदा नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरे हैं। वे वर्ष 2019 के बाद भी भारत का नेतृत्व करते रहेंगे। एक विशेषज्ञ ने कहा कि 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे दिखाते हैं कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे कोई असामान्य नहीं थे। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि मोदी वर्ष 2019 के बाद भी भारत का नेतृत्व करते रहेंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सहायक प्रोफेसर एडम जी फेल्ड ने कहा कि विधानसभा चुनाव ज्यादा बदलाव का संकेत नहीं देते। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों ने दिखाया है कि वर्ष 2014 के आम चुनाव कोई असामान्य चीज नहीं थे। उन्होंने कहा ये भाजपा के लिए एक बड़ी जीत थी। उसका उम्मीदवार 2 पिछले विजेताओं बसपा और सपा की तुलना में कहीं अधिक अंतर से जीत गया। अमेरिकन एडप्रोइस इंस्टीट्यूट के शोधार्थी सदानंद धूमे ने कहा कि इन चुनावों ने मोदी को वर्ष 2019 के चुनाव के लिए एक स्पष्ट और पसंदीदा विजेता के तौर पर स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी वर्ष 2019 की दौड़ में सबसे आगे हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के वॉल्च स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस के प्रोफेसर इरफान नूरुद्दीन ने कहा कि वर्ष 2019 में भाजपा को सीधा बहुमत मिलने की संभावना कम है और मोदी गठबंधन की सरकार बनाने की दिशा में बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक के बाद एक राज्य में चुनाव प्रचार सफल रहा है जबकि विपक्ष ऐसा करने में नाकाम रहा है। नूरुद्दीन ने कहा कि जिस राज्य में पार्टी को सीधे विपक्ष का सामना करना पड़ता है वहां ये अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। यदि विपक्ष एक साथ आ जाए तो भाजपा को परास्त किया जा सकता है। चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में मौजूद रहे धूमे ने कहा कि इन चुनावों में भाजपा ने खुद को जाति से ऊपर बताया लेकिन वहां जाति कार्ड खेला। राज्य में लोगों के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी बेहद लोकप्रिय है। इसने उस भारतीय जनता का दिल और दिमाग जीत लिया जो इस नीति के चलते परेशान हुई। यहाँ एक संजीदा व्यक्ति है जिसने भ्रष्ट और अमीर लोगों पर एक सैद्धांतिक प्रहार किया है। हालांकि धूमे ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में इस ऐतिहासिक जीत के बाद मोदी संभवतः ऐसे आर्थिक सुधार की दिशा में नहीं बढ़ेंगे जैसा निजी क्षेत्र चाहता है। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनआरआई महिला ने स्पाइसर से पूछा क्या आपने किया है देशद्रोह। दक्षिण कोरिया में हमलावर ड्रोन प्रणाली तैनात कर रही है अमेरिकी सेना। गुरदासपुर में शिया नेता की गोली मारकर हत्या। गुजरात के बनासकांठा में भूकंप का झटका तीव्रता 4.4। और ट्रंप ने CIA को दिया ड्रोन हमले का अधिकार।